जी बीबी, क्या मसला है? बेटा जी, मेरे ढिड विच गैस बन जाती है ते गैस दा इंज गोला जिहा ना उतां वाल टुर पैंदा मेरे दिमाग वाल ते बीपी ज्यादा हो जाता है उहदी वजह तों। कैसे बीपी ज्यादा हो जाता है? बीबी, आपको किसने बताया? वो साडे महल्ले इक सियाणा मुंडा पैंदा, उहने मैनूं दस्सिया कि अम्मा जी अपनी गैस दा इलाज कराओ ते बीपी तुहाडा ठीक हो जाणा है, उहदी वजह तों वध रिहा है। बाजी, सारे जिसम विच सोज पै गई है। ए वेखो ना, मेरा ढिड सारा सुज गया है, ए विच पानी भरिया होया जिसम दे। बीबी, ये चर्बी है सारी ज्यादा खाने की वजह से हुई है, चिकनाई वाली चीजें कम इस्तेमाल किया करो। नहीं बाजी, सुखी रोटी खाई दी है, बिल्कुल सुखी, बस विच घ्यो लाई दा थोड़ा मासा सारा। बीबी, रोटी के अंदर घी लगाने से वो घी गायब नहीं हो जाता, वहीं पे रहता है, उसको पराठा ही कहते हैं। मैं तो कुछ भी नहीं खाती बाजी, सारा दिन भुखे रहनी हाँ। सो जे, तुसी टेस्ट तो कराओ। जी बीबी, क्या मसला है? बाजी, अल्ट्रासाउंड करवानी है। अल्ट्रासाउंड किस वजह से करानी है, क्या मसला क्या है आपको? बाजी, बताया तो है स्क्रीन करवानी है अल्ट्रासाउंड। भाई, वही तो पूछ रही हूँ कि तकलीफ क्या है, क्यों करानी है अल्ट्रासाउंड, किस हिस्से की करानी है? बाजी, मेरे ना गुर्दे में पथरी है और पित्ते में भी पथरी है और बच्चेदानी के अंदर रसौलियाँ हैं। ये सब बातें आपको किस तरह पता चली हैं? वो कुछ दिन पहले एक अल्ट्रासाउंड करवाई थी ना, तो उसके अंदर आई थी ये सब चीजें। तो वो वाला अल्ट्रासाउंड किधर है, वो रिपोर्ट कहाँ है? वो तो बाजी मैंने सूट दी है, फेंगी तो अब दोबारा क्यों करवानी है? बाजी, वो देखना ना कि अभी भी है कि नहीं। बीबी, क्या मसला है? बाजी, मेरी 2 महीने बाद शादी है और मेरे जिस्म पे बहुत ज्यादा गैर जरूरी बाल है। ये कब से प्रॉब्लम है आपको? मसला तो बाजी मुझे पिछले 6 साल से है, पर 2 महीने में ठीक हो जाऊंगी ना? बीबी, मैं डॉक्टर हूँ, जादूगर नहीं। चल रुखसाना, वो रेडियो वाले हकीम साहब कह रहे थे कि 1 महीने में ही ठीक कर दूंगा मैं। चलो उधर मुझसे दवाई लेते हैं। रेडियो वाले